How to fix Samsung M31 camera failed to start several times, restore it by clearing history problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे ये एरर देख सकते हैं, लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे कैमरा फेल टू स्टार्ट सेवरल टाइम। ठीक है, कैमरा फेल टू स्टार्ट सेवरल टाइम्स, रेस्टोर इट बाय क्लियरिंग हिस्ट्री। तो आपको दोस्तों यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कैमरा जो है फेल्ट हो चुका है, स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री क्लियर करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हिस्ट्री क्लियर करने के लिए आप कैमरा को अभी रिसेट तो नहीं कर सकते, तो फिर आपको करना क्या होगा। तो ये प्रॉब्लम दोस्तों कैसे फिक्स करना है आज के इस वीडियो पर आपको पता चल जाएगा। ज़्यादातर दोस्तों ये डिवाइसेस पे तब देखने को मिल जाते जब आपकी डिवाइस ऑलमोस्ट फुल हो जाते, स्टोरेज ऑलमोस्ट अगर कंज्यूम हो जाते तब भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर दोस्तों आपके जो मोबाइल है वो काफ़ी पुराना हो चुका है तब भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर कैमरा पे अगर कोई इशू आ जाते हैं तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको जो सॉल्यूशन देने वाला हूँ उसी को आपको फॉलो करना है, एंड देन दोस्तों जिस तरीके का भी प्रॉब्लम हो, जो भी इशू हो, वो फिक्स्ड डेफिनेटली हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चीज़ आपको करना क्या है, यहाँ पे आप दोस्तों एक दफ़ा अपने मोबाइल को रिस्टार्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, सबसे बेसिक सॉल्यूशन आप ये कर सकते हैं। अगर रिस्टार्ट से काम बन जाते हैं ठीक है, अगर रिस्टार्ट करने के बाद भी दोस्तों आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जाइए दोस्तों अपने मोबाइल के सेटिंग पर। सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करना है, इसके बाद जाना है दोस्तों आपको ऐप्स पर, और यहाँ पे आपको कैमरा सेलेक्ट करना है। अभी दोस्तों कैमरा पर जाके स्टोरेज पर ओपन करना है, क्लियर डेटा पर क्लिक करके ओके कर देना है। जैसे ही डेटा क्लियर होगा परमिशन से अलाउ कर दीजिए। परमिशन अलाउ करने के बाद दोस्तों मोबाइल को रिस्टार्ट करते हुए चेक करके देखें, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। अगर आपके मोबाइल स्पेस ऑलमोस्ट फुल है तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको स्पेस क्लियर करना है एटलीस्ट 30%। ठीक है, 30% आपको क्लीन अप करना है ताकि फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए आसान हो, तो वो आप कर सकते हैं। और दोस्तों बाई एनी चांस अगर प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट करने से भी सॉल्व होगा प्रॉब्लम। सारे साथ अगर आप अपने मोबाइल को रीसेट करते हैं, फैक्ट्री डेटा रीसेट, तभी दोस्तों आपका ये जो प्रॉब्लम है फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेन सॉल्यूशन जो है दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो प्रॉब्लम सॉल्व करना दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा दिक्कतें आपको नहीं होगा, ज़्यादा ताफ नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है इसको फिक्स करना। कैमरा को क्लियर कर सकते हैं, मोबाइल स्टार्ट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, अपने मोबाइल को, तो उससे आपका काम बन जाएगा। अगर दोस्तों मान लीजिए प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तब दोस्तों आप कैमरा ऐप इंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल पे और कैमरा ऐप यूज़ कीजिए। ठीक है, कैमरा ऐप यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरीके का कैमरा ऐप आपको मिल जाएगा, तो उसको भी आप इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया है, उसको फॉलो करें, डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।